मैं सिमट भी जाऊं अपने घर के चार दीवारों के बीच, लेकिन उसके बाहर का तूफान थम तो नहीं जाएगा। चर्च गेट से लेकर मीरा रोड तक का सफर मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा होगा। कुछ अपनी खुदगर्जी और कुछ अपनी हैसियत के ख्याल ने मुझे उस मासूम के पास जाने से रोक दिया, वो मासूम जिसके पैर नहीं थे, वो मासूम जो ये जानना ही नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ दो स्टेशनों के बीच सिमट कर रह गई है। ख्वाब और हकीकत में यही तो फर्क होता है कि जो जिंदगी मैं जी रहा था वो इसके लिए ख्वाब और इसकी जिंदगी मेरे लिए हकीकत। तारीफ तो इस दिल की है जो पिछले 4 सालों में ये नहीं जान पाया कि 3 साल की उम्र से स्टेशन में बैठा ये बच्चा जो हर रोज मुझे देखता है और मैं उसका नाम तक नहीं जानता। क्या फर्क पड़ता है, ना दुनिया रुकती है ना दुनिया में चलने वाले लोग। फर्क तो इन्हें पड़ता है जो इस मुकम्मल जहां में मुकम्मल पैदा नहीं हुए। कोई यहां की रीति रिवाज को नहीं समझ सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई कभी चल नहीं सकता और कोई अपने हाथ से खाना खाने को तरस गया और कोई अपने मां बाप तक को नहीं पहचान सकता। इससे बड़ी अफसोस की बात और क्या हो सकती है। अगर ऊपर वाले ने खड़े होने की ताकत दी है तो क्यों ना हम सब मिलकर इन्हें भी खड़ा करें, क्यों ना इन्हें भी वो दर्जा वो मुकाम दे कि जहां से जब ये पीछे मुड़कर देखे तो इन्हें दुनिया अधूरी और ये पूरे लगे। शायद मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, अब इतनी ताकत इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। अब तो इस दुनिया में इतनी अपंगता हो गई है कि मेरे जैसे इंसान की कीमत ही क्या है, तो फिर एक अपाहिज को कौन पूछता है। दुनिया में आए हैं तो जी ही लेंगे अपनी जिंदगी। मैं
मैं पूरा होकर भी अधूरा रह गया, और ये अधूरे रहकर भी वो कर रहे हैं जिन पर आज हम सबको गर्व होना चाहिए। आज इस जगह पर खड़े होकर मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमें यह सिखा गए कि दुनिया में अधूरा आना और पूरा काम कर जाना कितनी बड़ी बहादुरी का काम है। दुआ करता हूं उस खुदा से कि काश काश मेरा बेटा भी कुछ ऐसा कर जाए।